हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और मेरा सबसे ज़रूरी काम मैं निपटा रही हूँ भी यहाँ पे, अनाया को सुला रही हूँ। ये मैम सो जाएं तो मैं अपना कुछ काम देख लूँ, और क्योंकि पाखी भी स्कूल से आती है, उसको भी आती ही नहीं बोल सकती कि रख लो, है ना। मैंने कोशिश की आज कि मैं ना पहले इसको सुला देती हूँ, बाकी का काम बाद में अपना देख लूँगी। और बस अभी जो है वो काम से फुर्सत हुई तो फिर जो है अभी मैं बना रही हूँ चाय। और आलू रख दिए हैं मैंने बॉईल होने के लिए, रख दिए थे पहले ही, तो आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। और साथ में रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो रहा है, अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो बस आलू निकाले, और आप लोगों को मेरा जो है वो चेहरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मेरी ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, बस रोज़ रोज़ वही सारी चीज़ें नहीं बताना चाहती। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, और वही है देखो, घर का काम भी सारा ही करना पड़ता है, और उधर अभी जो है वो पाखी को टाइम भी देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई को, बहुत सारी चीज़ों को। तो और अनाया को भी फिर पूरा दिन रखना, फिर चैनल के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करना, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। और इसी दौरान मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। दूसरी तरफ आप लोगों को पता ही है हमारा घर का चल रहा है, और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि बस घर फाइनल हो और हम जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो दिमाग में चल रही है, जिसने हमको बहुत ज़्यादा असमंजस में डाला हुआ है। ये तो फाइनल ही है कि हम जाएंगे, और बस जैसे भी होगा, पता नहीं किस दिन इस घर का लास्ट ही वीडियो हो, क्योंकि जैसे ही हमें घर फाइनल हो जाता है वैसे ही हम निकल जाएंगे। और फिर पैकिंग वगैरह करनी, सारी चीज़ें करनी, और बाकी का स्कूल एक दिन का भी हम मिस नहीं करा सकते हैं। और उसी उसमें अनाया को रखना और पैकिंग वगैरह ये सब कुछ करना, तो वो भी सब देखना पड़ेगा। और अभी पाखी बोल रही थी, मम्मा ट्यूशन का देख लो, वैसे तो वो सेल्फ स्टडी कर रही है काफ़ी अपने आप से भी, पर इस बार हमने ये सोच लिया कि हम शुरू से ही उसको जो है उससे लेकर के चलेंगे, मतलब शुरू से ही पूरा क्लियर कराते चलेंगे, कुछ भी पेंडिंग नहीं होने देंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पाखी का रिज़ल्ट कैसा आया है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हम सोच रहे थे वो नहीं आया है, और काफ़ी मतलब कि जो है उसका रिज़ल्ट डाउन हो गया है। डाउन होने का मतलब है उसके 85% या 84% जो है वो नंबर आए हैं, वरना वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, तो हमने तो बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था, और ऐसे नंबर उसको आते भी नहीं हैं जैसे उसको इस बार आए हैं। तो वो भी खुश नहीं थी इस चीज़ से, और हम तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो बस यहाँ पे खाना पीना हम लोगों का हो गया है, खाना बन गया है, और इस बार सच में उसका पूरा फोकस अभी से ही अपनी पढ़ाई पर है। ए जी, उसकी भी तो सुन लो। हाँ जी, छोटू पापा गिर गए। छोटू मंटू, ट्राई परोड हटा दिए। मंटू पेड़ खड़ा कैसे हो जाएगा जब कट गया पेड़? कटा हुआ पेड़ खड़ा होकर है, इन्हें मैं ढके। सुन तो लो, ये मैम अपना पराठा खा रही, इन्हें किसी के पेड़ कटने से कोई दिक्कत। Ha ha ha!
दोनों की हाँ जो है वो बाकी के स्कूल में कुछ वो है वो उसकी तैयारी कर रही थी तो पापा को भी उसने अपने साथ लगाया था और अच्छी खासी जो है दोनों की एक्सरसाइज हो गई। और बस फिर मैं पहले तो उनके पास में ही बैठी रही क्योंकि देखिए सबसे पहला काम है अपनी फैमिली को और टाइम देना, बाकी सब काम बाद में ही आते हैं।
तो बस ये सब कुछ करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सीधा पूरा किचन जो है वो क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और जो टोकरे में बर्तन है उनको सही करूँगी, और जो इसमें से निकाल करके रखने के हैं वो मैं निकाल करके रख दूँगी, जैसे कि कांच के गिलास ये बाउल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो अलग निकालनी पड़ती है। और अभी फाइनली कर लेती हूँ मैं अपने बर्तन साफ़। सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और देखिए साथ के साथ में मैंने अपनी सिंक भी साफ़ कर दी है, और बस अभी देख रही हूँ दूध वगैरह जो करना है वो भी करके गोपाल जी को सुलाना ये सब करके जल्दी ही लेटेंगे। फिर कुछ कपड़े जो है वो सूख गए हैं स्टैंड पे, उनको भी मैं साथ के साथ अभी तह लगा करके रख दूँगी, क्योंकि कल फिर हमारा पूरा दिन बाहर ही चला जाएगा, दो दिन इनको मिलते हैं। ये वीडियो है मेरा फ्राइडे का, जी हाँ फ्राइडे का ये वीडियो है मेरा, और सैटरडे संडे जो है वो इनका जैसे छुट्टी रहेगी तो सैटरडे संडे इनको बाहर के काम यानी कि अपना घर का फाइनल करना है, और यही दो दिन है जिसमें हमें घर बिल्कुल फाइनल करना है, मिल जाए। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी घर अच्छा सा अच्छी सोसाइटी में अच्छा माहौल जहाँ का हो वहाँ पर घर नहीं मिल रहा है, बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके ही चीज़ें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी घर देख लिया और कहीं भी हम रहने चले गए और कहीं भी बच्चों को लेकर के रह सकते हैं, ऐसा होना चाहिए ताकि ये निश्चिंत होकर के अपना काम कर सके और मैं आराम से अपना बच्चों के पास रह सकूँ, इनको भी कोई चिंता ना हो। और ये जितनी भी मालाएं थी जो मैंने पूजा में लगाई हुई थी वो सारी मैंने वॉश कर दी, सूख गई हैं, पोलोथीन में पैक कर दी, अब इनको रख दूँगी। पूजा के जितने भी कपड़े हैं उनको भी तह लगा करके एक बास्केट में रख दूँगी। अब ये जो कपड़े हैं जो स्टैंड से उतारूँगी इनको तह लगा करके रख दूँगी, और दूसरे कपड़े जो है जो थोड़े से धुले थे वो मैं डाल दूँगी स्टैंड पे, ये भी यहाँ पे सूख जाएंगे। और मैं गर्मियों में धूप में कपड़े बिल्कुल नहीं डालती हूँ, कपड़ों का कलर जो है वो फेड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें।